क्या आप कंटेंट क्रिएटर हैं? क्या आप वीडियोस बनाते हैं या व्लॉगिंग करते हैं? आज का फोन जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो आप जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात ओप्पो के मार्केटिंग डायरेक्टर से हुई। उनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, एक जो नई इंडस्ट्री पूरी एक बन रही है फिल्म मेकिंग की, जो यूट्यूब के ऊपर ब्लॉगर्स वगैरह बन रहे हैं इस तरह के लोग, अब उनको ओप्पो का कौन सा फोन रेकमेंड करेंगे? डिपेंड्स ऑन द अफोर्डेबिलिटी एज वेल, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक व्लॉगर है उसके एक बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, सो आई थिंक F9 इज द मोस्ट सूटेबल वन। अब इसी बात को वेरीफाई करने के लिए हमने ओप्पो का F9 खरीदा ताकि हम एक कंटेंट क्रिएटर की नजर से इस फोन को रिव्यू कर सकें। एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए एक मोबाइल में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बैटरी, परफॉर्मेंस एंड कैमरा। इन तीनों चीजों पर तो आते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे इस मोबाइल की डिजाइन एंड डिस्प्ले की। डिजाइन की अगर हम बात करें तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट फोन है। इसके पीछे रिफ्लेक्टिव पैटर्न्स और सामने वाटर ड्रॉप नॉच इसको एक यूनिक लुक्स देती हैं। और मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि मोबाइल की स्क्रीन हमेशा तोड़ देते हैं, उनके लिए गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है। मैंने एक वीडियो देखी है जिससे वो बंदा इस फोन से अखरोट तोड़ रहा था। मैं ये काम तो नहीं करूंगा, लेकिन ग्राह के लाजमी देखूंगा। इसका डिस्प्ले 6.3 इंचेस का IPS LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 है। अब आते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हीलियो का P60 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, माली का G72 का GPU है और साथ में 4GB और 6GB के RAM के वेरिएंट्स के साथ आता है। फोन में 64GB की बिल्ट इन स्टोरेज है और इस पर भी अगर पबजी में आप चिकन डिनर ना जीत सको तो ये आपका कसूर है, आपके फोन का नहीं। अब आते हैं इशू नंबर सेकंड पर, बैटरी। इस मोबाइल में 3500mAh की बैटरी है जो कि अल्ट्रा फास्ट चार्जर के साथ आती है। इस चार्जर के साथ आप अपना फोन 1.25 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के सबसे इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, जो कि है कैमरा। बैक साइड पे 16MP एंड 2MP के डेप्थ सेंसर के साथ ये डुअल सेटअप है। इसकी एक पूरी टेस्टिंग वीडियो, 1 मिनट की सिनेमैटिक वीडियो मैंने वीडियो के एंड पर डाली है। लेकिन फ्रंट कैमरे को टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं मेरे दोस्त असद की तरफ। थैंक यू फहद। अब इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो 25MP का है। जब आप 25MP सुनते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब इसका ब्यूटी मोड ऑन है तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब कैमरा का रिजल्ट जो है वो हम लोग जब कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मुझे फील हो रही है, लेकिन हम लोग इसको वेरीफाई भी करेंगे। अब इनडोर इसकी लाइटनिंग भी चेक करनी है कि किस तरह अच्छा फ्रंट फेसिंग कैमरा रिजल्ट देता है। ये इसका इनडोर रिजल्ट है और इधर रोशनियाँ कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ये इसने ये जो इनडोर जो परफॉर्मेंस है उससे मुझे काफ़ी खुशी हुई है। आउटडोर परफॉर्मेंस तकरीबन हर कैमरे की अच्छी होती है। सो बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको फाद देगा। हेड ओवर टू फाद। मेरे ऑनेस्ट रिव्यू का, क्या मैं ये फोन यूज करूंगा कि नहीं? अगर मैंने पबजी खेलनी है, मैंने हैवी गेम्स खेलनी है तो ये फोन मेरे लिए बेहतरीन है। अगर मैंने वीडियोस देखनी है, इसका डिस्प्ले ओवर द लिमिट है। अगर मैंने व्लॉगिंग करनी है तो 25MP का कैमरा आपके लिए वेल इनफ है। लेकिन अगर मैंने ट्रैवल वीडियोस बनानी है जिसमें मेरी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा है, मैंने हाइपर लैप्स बनाने हैं, मैंने टाइम लैप्स बनाने हैं, टाइम लैप्स तो बन जाएगा, हाइपर लैप्स जैसी मूवमेंट्स क्रिएट करनी है, तो इसमें स्टेबलाइजेशन की अभी भी कमी है जो कि मैं कहता हूं कि इंप्रूव की जा सकती है। सो अगर मैं ट्रैवल व्लॉगर हूं और जो ट्रैवल वीडियोस बनाता है तो मैं ये फोन नहीं लूंगा। लेकिन अगर मैं व्लॉगर हूं, मैं फोटोग्राफर हूं, मैं अच्छी वीडियोस देखना चाहता हूं अच्छे डिस्प्ले के साथ, मैं हैवी गेम्स खेलना चाहता हूं, मैं पूरे दिन अपना फोन यूज करना चाहता हूं, तो ये फोन मेरे लिए बेस्ट है। मिलते हैं किसी और फोन के साथ नेक्स्ट रिव्यू में। दिस इज फहद अहमद, सी यू नेक्स्ट टाइम।